जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो भगवती गौ माता जी की कृपा के बिना संपादित हो सके। मैं कुछ प्रधान प्रधान विषयों पर चर्चा कर रहा हूं जन्म से लेकर के मृत्यु तक की। सबसे पहले चर्चा करें हम जन्म की। पूर्व में प्रसंग में यह विषय आ चुका है कि कोई नारी विवाह के पश्चात 10 वर्ष तक मां नहीं बने, ऐसी नारी को लोग बांझ कहते हैं। और वो व्यथित नारी अगर सभी प्रकार के प्रयास करके विफल हो जाए, चिकित्सा भी और आध्यात्म भी, फिर भी संतान नहीं हो, तो राजा दिलीप की भांति पति पत्नी दोनों भगवती गौमाता की शरण में जाए, भगवती गौमाता जी की नित्य परिक्रमा करें, पति गो दही के साथ, गो तक्र के साथ चूने का प्रयोग करे, माँ गौमाता के दूध में कपास की जड़ों का प्रयोग करे, यथासंभव हरिवंश पुराण का पाठ करे और गौमाता की परिक्रमा करते हुए जा दिनते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, इस चौपाई का उच्चारण करे तो निश्चित रूप से बांझ नारी भी गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात और आपकी सेवा में रखूं कि हम जिन बेल बाबा को, सांड बाबा को व्यर्थ का समझते हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई नारी वृद्ध सांड का मूत्र सूंघे तो बांझ नारी भी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। ये ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा है। इस बात को सहदेव जी ने राजा विराट को भी कहा है। विराट नगर की बहना बैठी है, विराट नगर ही रहे या करोनी था, तो था कि विराट नगर में ही तो सहदेव नौकरी करवाने आया अज्ञातवास का काल में। तो विराट नगर के अंदर जब सहदेव नौकरी करने गया राजा विराट के पास, तो प्रश्न था कि तुम क्या करोगे, तो सहदेव ने भी यही कहा कि मैं बांझ स्त्री के गर्भ धारण करने की कला भगवती गौ की कृपा से जानता हूं। अगर कोई बांझ स्त्री है तो गौ गव्यों के प्रयोग से वो मां बन सकती है, इस विद्या को मैं जानता हूं। आपके नगर में बांझपन का कलंक नहीं रहेगा, आप मुझे सेवा में रख लीजिए। फिर गर्भ में बालक आता है तो गर्भ में बालक को संस्कार मां दे सकती है। 9 महीने तक पंच गव्य पिए, दूध दही घी गोबर और गोमूत्र, ये पंच गव्य इस संसार में महा औषधि का काम करते हैं। नियमित रूप से पंचगव्य पालन करने वाले व्यक्ति की किडनी अगर डायलिसिस स्टेज पर पहुंच गई है तो भी ठीक हो जाती है। नियमित रूप से पंचगव्य प्राशन करने पर रक्त में बड़ी अम्लता समाप्त हो जाती है, उसके प्रभाव से हृदय घात हार्ट अटैक की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। गर्भ में जब बच्चा है और उस दौरान अगर 9 महीने तक माँ थोड़ा थोड़ा पंचगव्य पिए तो उसका बच्चा श्रेष्ठ बुद्धिमान, माता पिता की इज्जत करने वाला, आदर करने वाला, रेस्पेक्ट करने वाला होता है। 9 महीने की पूर्णता जब प्रसव की बारी आती है, डिलीवरी के समय अगर स्थिति बिगड़ गई और सीजरियन डिलीवरी की बात आई, मैंने पूर्व में भी दावा किया था और पुनः दावे के साथ कह रहा हूं कि देसी गाय माता के पवित्र गोबर को कपड़े में बांध करके, सूती कपड़े में बांध के, सफेद कपड़े में बांध करके, दबा करके रस निकाल करके एक कटोरी देसी गाय माता का गोबर पिलाया कि तुरंत उस नारी की सहज डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के पश्चात बारी आती है नाल छेदन की। नाल काटते हैं, आजकल हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो ब्लेड से नाल काटी कि उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन, सेवलॉन, डिटॉल जैसे पदार्थ लगा देते हैं। याद रखना, उस नाल का संबंध मस्तिष्क से बहुत गहरा होता है। नाभि दूसरा मुख बताया गया है। बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय पूरा पोषण ही नाभि से होता है, और आप तो नाभि के बारे में जानते हो ना, नाभि थोड़ी सी इधर उधर खिसक जावे तो काई हाल हो जावे, होवे की को नहीं होवे, विज्ञान नहीं पकड़ पाया इस चीज को आज दिन तक भी। नाभि में मानव शरीर की नाड़ियों का गुच्छ केंद्र भी होता है, करोड़ों नाड़ियां नाभि केंद्र से जुड़ी हुई रहती है।
इसका सटीक प्रमाण है। अगर आपको जुकाम हो रहा है तेज, आप नाभि पर षडबिंदु तेल, सरसों का तेल या पंचगव घृत लगाते हो तो जुकाम में राहत मिलती है। अगर आपके होठ फट रहे हैं बोध, आप नाभि पर पवित्र गौ माता का घी लगाना शुरू करें तो आपके होठ फटने बंद हो जाते हैं। घी नाभि पर लगा रहे हो, लुब्रिकेंट्स होठ पर नहीं लगा रहे हो, लेकिन होठ फटने बंद हो जाएंगे। नाभि का इतना प्रभाव है। तो जैसे ही डिटॉल, सेवलोन जैसे कोई भी एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया, वो सीधा तुरंत, क्योंकि उस समय नाभि विशेष सक्रिय होती है, वो सीधा मस्तिष्क तक जाता है। और जिस बच्चे की नाल छेदन के बाद रासायनिक पदार्थों से निर्मित केमिकलाइज्ड एंटीसेप्टिक लोशन लगाया है, तो समझ लेना कि वो बच्चा जीवन भर चिड़चिड़ करेगा, हर बात का ठीक से उत्तर नहीं देगा। ये समस्या भारत के 60% घरों में इस समय है। बोलो है कि नहीं है? इस चिड़ा चढ़ाहट का प्रधान कारण नाल छेदन के समय उचित क्रिया नहीं की गई। करना क्या चाहिए? जैसी नाल को काटी, उसी समय भगवती गौमाता का पवित्र गौमूत्र, जो स्वयं एंटीसेप्टिक का काम करता है, नेचुरल एंटीसेप्टिक, प्राकृतिक जीवाणु रोधक का काम करता है, आप गौमूत्र लगा दीजिए और नाल को बांध दीजिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और बच्चे के मस्तिष्क तक पवित्र गौमूत्र के परमाणु पहुंचेंगे। उसके प्रभाव से बच्चे में भगवती गंगा जी जैसी निर्मलता स्वभाव में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गौमूत्र में गंगा जी है, शास्त्रों ने कहा है, गौमय वस्ते लक्ष्मी गौमूत्र सर्व मंगला। नाल छेदन के कुछ दिनों बाद बारी आती है सूती का स्नान की, नावण पूजन की, जलमा पूजन की, सूरज पूजन की, अलग अलग जगह अलग। तो नावण पूजन के दिन सामान्यतया आजकल की मेरी लाडली माताएं, मेरी प्यारी बहनें क्या करती है, बढ़िया सा साबुन ला करके बच्चों को नहलाती है। जो ज्यादा पढ़ी लिखी होती है वो तो मेडिकल स्टोर से बेबी सोप उठा के लाती है। अब मेरे भाइयों और बहनों, चाहे बेबी सोप हो कि बुड्ढो सोप हो, साबुन साबुन ही होया करे। और साबुन दो चीजा सू बने, या तो बने कास्टिक सोडा सू या बने कास्टिक पोटास, और दोनों ही खतरनाक रसायन है। बच्चे के प्रारंभ में त्वचा इतनी कोमल होती है कि उस कोमल त्वचा पर जब उस रासायनिक तत्वों का प्रभाव होता है तो आगे जाकर के बच्चे को दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आजकल देखो हर किसी को बंदरों की तरह खुजलाते हुए देखता हूं मैं। अब करना क्या चाहिए? प्रथम स्नान में तो महापुरुष कहते हैं कि ताम्र पात्र में जल लेकर के दशांश गौमूत्र मिश्रित करके अगर प्रथम बार बच्चे को स्नान कराया जाए तो बच्चा जीवन भर चर्म रोग से मुक्त रहेगा। देसी भाषा में समझा दूं, तांबा को एक बर्तन लो, विमें 4 लीटर पानी ले लो और 400 ग्राम देसी गाय माता को गौमूत्र विमें डाल दो और विष पहली पहली बार आप आपका टाबर ने नहलाओ, वी का प्रभाव टाबर आखी उम्र दाद खाज खुजली से मुक्त रहे लो। चलिए, सूती का स्नान के पश्चात बारी आती है अन्नप्राशन संस्कार की। बच्चे को पहली बार क्या खिलाना चाहिए? माँ का दूध बच्चा जितने दिन पी रहा है उतने दिन तो पीने दो। माँ का दूध संसार में सर्वश्रेष्ठ है। जन्म देने वाली माँ का दूध बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर इन्फेंट। आप फैशन का दौर है सज्जनों, आजकल कई मम्मियां बोतल का दूध पिलाती है, पिलावे की कोने पिलावे। अब जो टाबर बचपन में बोतल को दूध पीवे लो, आदत तो लाग जावेली, वो थोड़ो सो मोटो होवे लो और होटल पे जाकर के पेप्सी कोला की, कोका कोला की बोतल पीवे लो, थोड़ो सो और मोटो हो जावे लो, जवान हो जावे तो ठेका पे जाने दारू की बोतल पीवे लो। आदत तो मम्मी बचपन से डाली है।
अब जी ये दो तरह की बोतला जवानी में पी ली, बिको बुढ़ापे तो आवल ही खोनी, आधी उम्र में हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल का टपका देख तो मरे लो। ऐसी स्थिति नहीं आए इसके लिए माताओं से करबद्ध निवेदन है कि अपने बच्चे को स्वयं का दूध पान कराना चाहिए। जितने दिन बच्चा माँ का दूध पिए उतने दिन तो पीने दीजिए, लेकिन जब माँ को लगे कि अब वैकल्पिक भोजन के रूप में, सप्लीमेंट्री फूड के रूप में अन्य कुछ चीज़ें भी बच्चे को खिलानी शुरू करनी है तो क्या खिलाना चाहिए। गरीब घर की सीधी सादी बहू बेटी हो तो गाय माता के दूध में रोटी चूर करके बच्चे को चूरा करके खिलाती है, और ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो मेडिकल स्टोर से वो सेरेलैक, बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन और भी कई तरह के ब्रांडेड कचरा पट्टी मार्केट में अवेलेबल है वो लाती और खिलाती है। और निश्चित कचरा पट्टी ही है, हम पूरे होश हवास में आपकी सेवा में बोल रहे हैं, क्योंकि जिन बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों का हम नाम ले रहे हैं ना, अगर सच्चाई नहीं हो हमारी बात में तो तुरंत जेल की हवा भी खानी पड़े। वास्तव में आप जो सेरेलैक, बॉर्नविटा इत्यादि या आप जो बूस्ट टॉनिक जो दे रहे हो बच्चों को दूध में घोल घाल के, है क्या उसमें सड़े हुए मैदे, गेहूं और सड़े हुए चने इत्यादि का आटा जो पता नहीं कब से बना पड़ा है, ज्यादा फ्रेश आइटम नहीं होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल बाहर का डिब्बा बढ़िया देती है, अंदर का माल ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, और उसमें मिनरल्स के रूप में, हड्डियों को मजबूत करने के कैल्शियम के रूप में कोई प्राकृतिक कैल्शियम का प्रयोग नहीं होता, हड्डियों के चूरे तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक नहीं है ये चीजें बच्चों के लिए। इन चीजों से आज दिन तक किसी का बच्चा अगर सेरेलैक, बॉर्नविटा खा करके भीम बना हो तो बता दो, हालत देखो ना इनके, ये सब कीर्तन कर रहे हैं इनके हाथ पर, ये सब सेरेलैक, बॉर्नविटा वाले ही तो बैठे हैं आगे। और खिलाना हो तो भी सारी जिंदगी पड़ी है। मैं आपके आधुनिकता पर अधिक चोट करूंगा तो आपको कष्ट होगा कि कई बाबा आदम का जमाना में ले जान मेलो लाख माने, वंदन आपकी आधुनिकता को, कोई बात नहीं, आप खिलाना पूरा जीवन पढ़ाए, लेकिन कम से कम शुरुआत के 7 दिन तो अपने बच्चे को इन चीजों से बचा लो। जिस दिन आप अपने बच्चे को प्रथम ग्रास शुरू करो उस दिन सर्वप्रथम बच्चे को गाय माता का दूध, गाय माता का दही, गाय माता के गोबर का थोड़ा सा रस और गाय माता के गोमूत्र की कुछ बूंदें, इन सब को मिला करके पहली बार पंचगव्य प्राशन कराना चाहिए। प्रथम बार पंचगव्य प्राशन कराने से बच्चे के शरीर का एंटीबायोटिक पावर, ह्यूमिनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, बच्चा आसानी से बीमार नहीं होता है। छोटी मोटी बीमारियां तो उस बच्चे को लगती नहीं है। शुरुआत के 7 दिन आप पहले बच्चे को पंचगव्य पिलाओ और उसके बाद आप बाहर की दूसरी चीजें खिलाना शुरू करो। पंचगव्य में बहुत शक्ति है। आप 18 पुराणों में से किसी भी पुराण को पढ़ना, प्रत्येक पुराण के अंदर किसी भी पूजा से पहले आदरणीय शास्त्री जी बैठे हैं प्रमाण के रूप में, प्रत्येक शास्त्र के अंदर पूजा से पहले पंचगव्य प्राशन का विधान है। क्यों? क्योंकि आदमी पंचगव्य पी लेगा पहले पूजा में बैठने से पहले तो छोटी मोटी तकलीफ नहीं होगी, बीच में उठना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, वैज्ञानिक कारण है। और दीर्घगामी प्रभाव पंचगव्य के मनुष्य के जीवन पर पड़ते हैं। अन्न प्राशन संस्कार के पश्चात बात आती है नामकरण संस्कार की। ये सारी क्रियाएं वल्लभ दास जी और संयोगिता द्वारा अपनी पुत्र पुत्री के साथ की गई है। समय अभाव में मैंने विस्तार से नहीं लिया, ये उस कथा का मूल हिस्सा है, लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि बुरा नहीं मानो तो सच्चाई ये है कि मूल गो कथा अधिकारी को सुनाई जाती है, पूर्ण अधिकारी को,
थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने उन प्रसंगों को विस्तार से नहीं लिया, मैंने जीवन जीने के सामान्य प्रसंगों को भी साथ में जोड़ा, क्योंकि दिन में ज़्यादातर भाई बहन आते थे वो अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के आते थे, उससे यह तय होता था कि अभी पारिवारिक परिस्थितियाँ ही बड़ी भयंकर बिगड़ी हुई है, इसलिए शुद्ध गोकथा कहने के बजाय मैंने पारिवारिक विषयों को साथ में सम्मिलित किया कि पहले एक बार उसकी आवश्यकता है, क्योंकि घर में शांति होवेली तो गाय माता ने लावेला, नहीं तो गाय माता लाते पति पत्नी दोनों ही झगड़ पड़ेला।